हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल के एस एकेडमी वन स्टेप टू सक्सेस अभी तक के अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पार्ट थ्री मैग्नेटिज्म जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में स्टडी करेंगे इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट वन में इंट्रोडक्टरी पार्ट की स्टडी की थी जिसमें हमने बेसिक टर्म्स का मैग्नेटिज्म क्या है व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड छोटे छोटे डेफिनेशंस है रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म उसकी स्टडी किया था इन पार्ट टू हमने स्टडी किया था वॉट इज एसी करंट व्हाट इज डीसी करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी की थी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम हमने ये भी स्टडी किया था साथ में हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लिमिंग राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल क्लॉक रूल ये सारी स्टडी की थी तो दोनों पार्ट्स के वीडियो के लिंक जो है मैं इस वीडियो के लिंक के साथ में आपको शेयर कर दूंगी सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट इस स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल जनरेटर सो वॉट इज एक्जैक्टली मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर द इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज एन मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अ स्मॉल जनरेटर इज कॉल्ड एस डायनमो सो व्हाट इज एक्जैक्टली द मीन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर जनरेटर मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम कहते हैं सो so, वो किसकी वजह से होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या फिर मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मेटल वायर को जब इंट्रोड्यूस करते हैं मूविंग फेज में या तो मैग्नेट हमारा मूव होना चाहिए या तो हमारा वायर मूव होना चाहिए तो ड्यू टू दैट मूवमेंट रिलेटिव मूवमेंट ऑफ बोथ ऑफ देम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वायर में राइट right? और वायर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन देंस की वहां से फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और उसी का हमने एप्लीकेशन देखा था जिससे हमने इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग uh, प्रिंसिपल की स्टडी किया था सो so, उसी का ही एक एग्जाम्पल है और उसी के थ्रू हमने ये सोचा कि हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी उसमें से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो क्यों ना इसका जनरेटर बनाया जाए सो so, उसी को ही हम इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सो बेसिकली इसमें होता क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी मीन्स जो फिजिकल वर्क होता है या तो वायर का मूवमेंट होना चाहिए या तो मैग्नेट का मूवमेंट होना चाहिए जो फिजिकल वर्क हो रहा है जो मैकेनिकल वर्क हो रहा है उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उस डिवाइस को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कन्फर्म कर रहे हैं हमारा थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट फर्स्ट रूल राइट तो हमारा फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट रोल क्या कहता है लॉ क्या कहता है हमारा कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इट कैन नॉट बी क्रिएटेड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म तो बेसिकली यहाँ पे जो हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारी कन्वर्ट हो रही है टोटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो स्मॉल जनरेटर्स होते हैं उसे हम डायनामोज कहते हैं और वो बेसिकली यूज होता है बैसिकल्स में सो so ये एक डायग्राम है इसे ही हम स्मॉल डायनामो कहते हैं बैसिकल्स में जो यूज किया जाता है ये होता है जनरेटर ये होती है लाइट जो में में यूज किया जाता है लाइट नाइट में दिखने के लिए और ये छोटा सा जनरेटर होता है जो साइकिल के अः जो व्हील्स होते हैं वहां पे हम लोग अटैच करते हैं सो so ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया रहता है और जैसे ही हम लोग साइकिल को राइड करना स्टार्ट करते हैं तो वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने को रेडी हो जाता है और जनरेट होने जनरेट होने लग जाती है और साथ में हमारा लाइट जलने लग जाती है सो so, ये इस तरीके का कुछ यहाँ पे फॉर्मेशन रहता है यहाँ पे कनेक्शंस रहते हैं, ये डायनामो है हमारा और ये यह लाइट यहाँ पे कनेक्ट की जाती है डायनामो के साथ में जैसे जैसे बाइसिक हमारी बाइसिकल का जो व्हील है वो रन करेगा साथ में ये डायनामो भी रन करेगा और रन करने के बाद में इसके अंदर की जो कॉइल्स है वो रोटेट होगी और रोटेट होने की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जलेगी जो लाइट आ, नाइट विजन में अप्लीकेशन है सो so, जो स्मॉल इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं उसे हम डायनामोज कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर सो व्हाट एग्जैक्टली द प्रिंसिपल इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज किया जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अप्लीकेशन यूज किया गया है द इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज एन अप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल वैन द स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग मूवड इन द मैग्नेटिक फील्ड अ कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर जो मूव होता है मैग्नेटिक फील्ड के आसपास में देन द करंट इज इंड्यूज इन द कंडक्टर करंट क्या हो रहा है उसके अंदर कंडक्टर के अंदर में इंड्यूस हो रहा है जनरेट हो रहा है एंड वहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है सो so, इसी प्रिंसिपल के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल जनरेटर का फॉर्मेशन किया जाता है सो इन एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर अ रेक्टेंगुलर कॉइल है स्ट्रेट साइड इज अडअप ऑफ रोटेट रेपिडली इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्स शू टाइप मैग्नेट वेन द कॉयल रोटेट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू विच द कर प्रोड्यूस इन अल क्या हो रहा है इसमें जब हॉश मैग्नेट के अंदर में हम अगर रेक्टेंगुलर कॉयल जो हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने स्टडी किया है कि हमने जब दो मैग्नेट लिया था नॉर्थ एंड साउथ पोल उसके बीच में हमने रेक्टेंगुलर कॉयल रखा था और उसको इलेक्ट्रिकल उसमें जनरेशन देखा था किस तरीके से होता है सो so, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड में आता है सराउंड में आता है उसके कांटेक्ट में आता है इट विल गेट रोटेट रोटेट हो जाए, है और रोटेट होने की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली उसका रोटेशन स्टार्ट रहता है और गैलमानोमीटर के थ्रू हमने ये देखा था कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है सो टू डिफरेंट पोल्स के बीच में जैसे ही रखते हैं वो अपना डायरेक्शन स्टार्ट कर देता है फ्लो ऑफ डायरेक्शन स्टार्ट कर देता है electrical generators of two types which are the alternating current generator and direct current generator note that ac current is also written as ac generator and dc generator is also written as dc generator we will now discuss both the type of electric generator one by one let us start with the ac generator ac generator एसी जनरेटर मीन्स अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो हमारे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है कि व्हाट इज एसी करंट जिसमें हमारा करंट फ्लो क्या होता है डायरेक्शन चेंज होती है कंटिन्यूसली और हमने ये भी देखा था कि वन बाय हंड्रेड टाइम्स ऑफ सेकेंड्स ये टर्न होता है इतने कम सेकेंड में वो हंड्रेड टाइम्स क्या होता रहता है रोटेट होता है देन विच रिवर्स द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एसी जनरेटर इज ऑल्सो नोन एज अल्टरनेटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द एसी जनरेटर सो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं परमानेंट मैगनेट्स ले लेते हैं एंड रेक्टेंगुलर कॉइल जिसे हम नोटेट कर नोट डाउन करेंगे एबीसीडी से देन रोटेशन ऑफ कॉल एंड क्लॉकवाइज ये किस तरीके से होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है एबीसीडी जिसको हम नोटेशन दे दिया देन यहाँ पे जो यहाँ आप देख रहे हैं सर्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ए स्लिप रिंग रोटेटेड विद यहाँ के अंदर इसे हम स्लिप रिंग कहेंगे जो रोटेट होंगे कॉइल के साथ में इसे हम डिनोट कर देंगे आर वन एंड आर टू से ये हमारा जो डिस्क है ये डिस्क अलाउ करेगा इसको रोटेड होने के लिए फ्रीली रोटेड होने के लिए देन गैल्वानोमीटर, बिकॉज हमको इसमें से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी हमको पता करना है तो गैल्वानोमीटर की तो जरूरत पड़ेगी ही कार्बन ब्रशेड है, हमारे है, जो है पे, हम को क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे जिससे हमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है सो so, हम इसे नोट कर देते बी वन एंड बी टू एंड कनेक्ट विथ द गलवानोमीटर देन ये जो है हमारी एक्सिस है सेंटर एक्सिस और इसे हम शाफ्ट कहेंगे बिकॉज इसके अराउंड में हमारी कॉइल रोटेड होने वाली है सो दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट एंड दिस आर द परमानेंट मैग्नेट रेड वन साइड नॉर्थ मैग्नेट एंड हमारा जो राइट right साइड का ब्लू कलर का है वो है हमारा साउथ पोल मैग्नेट सो इन बिटवीन जैसे ही हमने इन दोनों मैग्नेट को इंट्रोड्यूस किया तो हमारी कॉइल क्या हो गई रोटेट होना स्टार्ट हो गई आफ्टर समाइम और आफ्टर फ्यू मिनट सेकेंड्स इट विल गेट रोटेड अराउंड शाफ्ट और हमारा जो रेड कलर के रिंग्स है ये अलाउ करेंगे इसको रोटेड होने के लिए सो इट विल कंटिन्यूअसली रोटेड और जैसे जैसे रोटेड होगा इसमें से करंट क्या होगा जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेट जनरेटेड फ्रॉम दिस डिवाइस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा इसमें इलेक्ट्रिकल सिटी जनरेट होगी एंड डायरेक्शन अभी डायरेक्शन कि में जो north pole है वो downward direction में एंड हमारा जो साउथ पोल है उसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में सो so हमको इसमें करंट फ्लो किस तरीके से होगा इसमें इसका फोर्स अप्लाइड मोशन जो होगा वो कैसा होगा तो हमें इसके लिए फ्लिमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे जिसमें हमने प्रीवियस पार्ट में हमने स्टडी किया है कि व्हाट इज एक्टली इट मीन फ्लिमिंग राइट हैंड रूल का हम यूज कैसे करते हैं सो so, ये हमारा राइट हैंड है थम डिनोट्स द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर डिनोट द करंट एंड फर्स्ट फिंगर डिनोट द मोशन फोर्स मोशन जिसकी वजह से मोशन होगा राइट तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ साइड वाली डायरेक्शन का जो कॉइल है उसका डायरेक्शन होगा हमारा डाउन डायरेक्शन राइट सो so, ये हो गया हमारा करंट एंड देन इट विल बी द द मोशन एंड रेड डिनोट बाय फील्ड सो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया हमारा मोशन और ये हो गया करंट एंड देन अब जस्ट हम इसको रोटेट करेंगे और हमारा जो अपर डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इस साइड से बिकॉज करंट इस तरीके से जाएगा आप यहाँ पे मैं ये मार्कर से बताना की कोशिश करू कि करंट ऐसे जाएगा हो एंड तो होगा करंट राइट right? और इसी वजह से क्या होता है कि इस डायरेक्शन में करंट हो जाता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है ड्यू टू विच अपोजिट करंट फ्लो यहाँ पे क्या हो रहा है रोटेशन फॉर्मेशन होता है सो so, हम लोग यहाँ पे फिर से देख लेते हैं हमारा ये हो गया हमारा अपर डायरेक्शन में करंट मोशन हो गया हमारा इस डायरेक्शन में और ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड राइट तो इसी वजह से यहाँ पे हमारा रोटेशन हो रहा है बिकॉज अपोजिट इन डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज यहाँ पे रेक्टेंगुलर कॉइल है जैसे ही इस डायरेक्शन में आएगा तो यहां से फिर इस डायरेक्शन में जाएगा एंड देन इस डायरेक्शन में आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड देन राइट साइड एंड अपवर्ड सो इस ये करंट का हमारा फ्लो हो गया बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल राइट right? और इसी वजह से क्या हो रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के इसमें अपोजिट करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मोशन का अपलाइड हो रहा है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है जिसके वजह से क्या हो रहा है हमारी कॉइल रोटेट हो हो रही है एक हो है एक फोर्स उस रहा और उसी की वजह से हमारी कॉइल रोटेड हो रही है और ये कंटिन्यूसली रोटेड होती जाएगी और इसी को ही हम एसी जनरेटर कह रहे हैं अब इसे एसी जनरेटर हम कह रहे हैं तो एसी में तो हमारा डायरेक्शन क्या होता है रिवर्स्ट होता है राइट right? तो जब ये रोटेट होती है कॉइल है ना तो हमारे जब ए बी साइड हमारे साउथ पोल के साइड में आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा एंड देन डीसी जब हमारा नॉर्थ uh, पोल के साइड में आ जाएगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा सो so, हमारा यहाँ पे करंट क्या हो रहा है फ्लिप हो रहा है एंड देन ड्यू टू द फ्लिप ये कंटिन्यूसली मतलब पहले आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि पहले ये राइट साइड से रोटेट होगा एंड देन ये

कि एक फैशन में अल्टरनेटिंग करंट, बिकॉज़ इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वन बाय हंड्रेड टाइम्स सेकेंड्स के तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है फिफ्टी हर्ट की देन एसी जनरेटर आर यूज इन अ पावर स्टेशन टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच इज सप्लाइड टू Our homes. अपने घर तक इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई होती है वो इस, एसी जनरेटर के थ्रू ही होती है एसी जनरेटर एसी करंट जनरे, ही हमारे घर तक, हमारे तक के सप्लाई होता है दिस डे मोस्ट ऑफ द कार्स आर फिटेड विद ऑल स्मॉल एसी जनरेटर्स कॉमनली नोन एज अल्टरनेटर्स द बाइसिकल डायना स्मॉल एसी जनरेटर्स वी हैव जस्ट डिस्क्राइब सिंपल एसी जनरेटर इन अ प्रैक्टिकल जनरेटर द वोल्टेज एंड द करंट प्रोड्यूस कैन बी इनक्रीज हम ये जो स्टडी किया हमने एसी जनरेटर के बारे में वो छोटा जनरेटर था और इसका जो वैल्यू होती है इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम बढ़ा सकते हैं सो बाय यूजिंग द पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अगर बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होंगे और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर होंगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होगा सो बाय यूजिंग द पावरफुल इलेक्ट्रो मैग्नेट टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगर इन प्लेस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट बाय वाइंडिंग द कॉइल अराउंड द सॉफ्ट आयरन कोर टू इनक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे प्रीवियस पैट में भी हमने स्टडी किया था कि बाय इनक्रीजिंग द वाइंडिंग ऑफ कॉल अराउंड कोर हम क्योंकि यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की जगह में इलेक्ट्रो मैग्नेट यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो मैग्नेट बनाने के लिए हमको नंबर ऑफ कॉलिंग क्या होती है बढ़ानी होती है बाय यूजिंग द कोइल विच मोर टर्न कॉइल का भी टर्न क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए सो so, जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ज्यादा इसमें इंडक्शन होगा बाय रोटेटिंग द कॉइल फास्टर जितना ज्यादा फास्ट कॉइल हमारी फास्ट होगी फास्टर होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होगी एंड लास्ट वन बाय यूजिंग द कॉइल विच इज अ लार्जर एरिया जितना ज्यादा लार्जर एरिया होगा उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा देन डीसी जनरेटर सो व्हाट एक्जैक्टलीटर डीसी जनरेटर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वॉट इज डीसी करंट तो डीसी करंट को ही हम लोग डीसी जनरेटर कहते हैं इफ वी रिप्लेस द स्लिप रिंग्स ऑफ एन ए सी जनरेटर बाय अ कम्युनेटर देन इट विल बिकम अ डीसी जनरेटर अब ये कम्युनेटर क्या होते हैं तो हम लोग इसको डायग्राम में देख लेते हैं कि व्हाट एक्जैक्टली कम्युनेटर दस इट इज अ डीसी जनरेटर अटरिंग टाइप्स कम्युनेटर इज यूज लाइक अ वन यूज एन इलेक्ट्रिक मोटर हम जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं उसी तरीके से हम लोग डीसी करंट को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं उसमें कटेड डिक्स होते हैं कट किए हुए डिक्स होते हैं दो अलग अलग जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल होता है अल्टरनेट की जनरेटर में क्या होता है कि पॉजिटिव निगेटिव जो पोल होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं सो ड्यू टू विच वी कैन नॉट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो रही है यहाँ पे चेंज होती है और उसी की वजह से पॉजिटिव निगेटिव पोल भी वहां पे चेंज होता है बट इन डीसी करंट यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पोल जो होते हैं फिक्सड होते हैं when two half rings of combinators are connected to uh,

कार्बन ब्रश जो होता है दूसरे डिस्क के साथ में होता है पॉजिटिव निगेटिव पोल के साथ में सो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट सो इसका हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में किस तरीके से बिकॉज बिना एक्टिविटी तो हमको कुछ बराबर समझ में नहीं आता जितना ज्यादा थेटिकल होता है उतना ज्यादा हमारे सर के ऊपर से जाता है बेसिकली अगर हम थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल वर्क करके देखते तो हमें ये ईजी हो जाता है तो हम चलो अभी एक छोटा सा एक्टिविटी कर लेते हैं So, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कॉल और ये है हमारे क्यूमलेटर्स राइट right? और जो पिछले डायग्राम में हमारा स्लिप डिस्क थे उसको हमने दो पार्ट में कट कर दिया और कट करने के बाद में इसकी जो रिंग्स है कॉल्ड और यहाँ पे जो डिस्क है यहाँ पे सेम जो हमारे प्रीवियस डायग्राम में थी यहाँ पे डिस्क अलाउ करेंगी किसको हमारे कॉइल को रोटेट होने के लिए देन दैट इज क्यूमुलेटर्स रेक्टेंगुलर कॉल ए बी सी डी अब हमारा शाफ्ट बिकॉज शाफ्ट के ही अराउंड में हमारा सेंटर जो होता है जिसके अराउंड में हमारी कॉइल रोटेड होगी अवर गैलवानोमीटर एंड दिज आर कनेक्टेड विद द गैलवानोमीटर पॉजिटिव एंड निगेटिव राइट एंड देन इट ऑल्सो डिनोटेड एज आर वन एंड आर टू दिस इज अवर रेक्टेंगुलर कॉल ए बी सी डी दिज आर दर्मानेंट मैगनेट बिकॉज हम लैब बेसिस पे हमारा प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो हम परमानेंट मैग्नेट का ही यूज करेंगे जब हमारा लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का बात आती है तब हम लोग इलेक्ट्रो का यूज करते हैं सो so, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आए हमारे जो कॉइल है वो रोटेड होने लगी राइट right? So, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉइल सिर्फ वन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है और रोटेट हो रही है अब हम इसके डायरेक्शंस देख लेते हैं so, तो जो डायरेक्शन है करंट का फ्लो का सेम ही होगा यहाँ पे यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड अपवर्ड डायरेक्शन में सो so, जो राइट हैंड रोल है हमारा फ्लिमिंग का सेम जो हमारा एसी करंट में था वो यहाँ पे सिमिलरली सेम यूज होगा ये हो गया हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में और इसी की वजह से हमारी कॉइल क्या होती है रोटेड होती है बट सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ पे यहाँ पे ये यह डीसी करंट क्यों है ये डायरेक्ट करंट क्यों है और कॉइल हमारी वन डायरेक्शनल ही क्यों फ्लो हो रही है बिकॉज ऑफ दिस डिस्क हमारी यहाँ पे कट है और यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते हैं पोल्स uh, जो होते हैं वो फिक्स होते हैं तो अभी हम लोग पहले डायरेक्शंस देख लेते हैं यहाँ पे तो हमारा डायरेक्शन तो वैसे भी सेम है करंट का डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन है ये हमारा मोशन का डायरेक्शन है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है देन मोशन फील्ड एंड करंट सिमिलरली जो हमारा साउथ अगर हमारा अपर डायरेक्शन आएगा साउथ पोल के तरफ का तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड है देन ये हमारा

ये जो है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ पॉजिटिव एंड निगेटिव पोल राइट ये फिक्स्ड होते हैं यहाँ पे और ये इन दोनों का कांटेक्ट नहीं है ये जो हमारे क्यूमिलेटर्स है इन दोनों का बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है ये दोनों भी सेपरेटेड है कट है राइट right? इसी की वजह से ये डीसी करंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अप्लीकेशन क्या है और इस यूजिंग में हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी करने वाले हैं कि टू डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट लेने वाले और उसमें एग्जैक्टली exactly क्या होता है ये देखेंगे सो इलेक्ट्रो मैग्नेट क्या होते हैं हमारे एक सॉफ्ट आयरन कोर कोर होता है जिसको हम कॉइल करते हैं कॉपर कॉइल से राइट right? इसको हमने कॉइल कर लिया एंड देन कनेक्ट कर लिया हमने बैटरी के साथ में और स्विच के साथ में यहाँ पे नो no डाउट कि हमारा जो स्विच है वो अभी ऑफ है सो so, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो अ मेटल और अ कोर सॉफ्ट कोर मेटल इज बिहेव लाइक अ मैग्नेट दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके बारे में हमने हमारे पार्ट वन में स्टडी की है जो ऑलरेडी इस वीडियो के साथ में मैं इस पार्ट वन और पार्ट टू का लिंक शेयर करने वाली हूँ तो आप को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप उस वीडियो के लेक्चर्स को आप देख सकते हैं अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होगा या फिर कोई डाउट्स होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको इमीजिएटली रिप्लाई मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इट्स मीन कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा हमें यहां पे स्टडी करना है कि बाजू में रखे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है तो इसके लिए भी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं एंड इसको कनेक्ट कर लेते हैं गेलवानोमीटर से तो हमें देखना है कि जैसे ही हम यहाँ पे स्विच ऑफ करेंगे और करंट फ्लो स्टार्ट होगा बिकॉज इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन से हमारा करंट फ्लो होता है तो हमें देखना है कि क्या होता है ठीक है जो हमारा पास में रखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये जस्ट उसके बाजू में रखा हुआ है ये छोटी सी एक्टिविटी है और हमें पता करना है कि क्या हो रहा है तो ये हमने स्विच ऑफ कर दिया देन करंट फ्लो जैसे ही होने स्टार्ट किया अब साइमल्टेनियसली देख लीजिए यहाँ से कुछ अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है और गैलवानो ने हमको पॉजिटिव रीडिंग दिया ये जो हमारा डैश है ये जीरो रीडिंग है और हमारा राइट हैंड साइड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड डिनोट एज अगेटिव राइट अब इसने क्या किया कि जस्ट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट स्मॉल इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया हमने हमारे पार्ट वन में ये भी देखा था कि जैसे ही हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं और उसको कॉइल्ड करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करते पास में रखी हुई मेटल वाली चीजें या फिर आयरन वाली चीजें वो डायरेक्टली इस पर अटैच हो जाती है अट्रैक्ट होके अटैच हो जाती है डैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रो मैगनेट एंड द टर्म ही हमको बता रही है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कंडक्टर कॉल्ड कंडक्टर इट्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट दैट्स वाईज इलेक्ट्रो मैगनेट मैं बार बार इस डेफिनेशन को रिपीट कर रही हूँ इसके वर्ड में ही मीनिंग है इलेक्ट्रो मैग्नेट के ही वर्ड में मीनिंग है और हमने ये भी देखा था कि जब इलेक्ट्रिसिटी एक कंडक्टर में से या फिर एक इलेक्ट्रो मैग्नेट में से पास होती है तो उसके पास वाले इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब वो मैग्नेटिक फील्ड इसका बिकॉज इट्स अ मैग्नेट मैग्नेट

करंट करंट हमको बताया यहां से भी फ्लो होना क्या हो गया डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो जैसे ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया हमारे करंट फ्लो का जो इसके बाजू में रखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट था वहां पे भी चेंज हो गया सो so ये था हमने देखा कि छोटी से एक्टिविटी में कि किस तरीके से डायरेक्शन का चेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट में या फिर इसके जगह पे अगर कोई कंडक्टर भी आप रखते हैं तो उसमें भी सेम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर आता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है हमने हमारे प्रीवियस पार्ट में भी देखा था कि जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फ्लो ऑफ करंट भी चेंज हो जाता है तो सेम इसमें भी हमने वही देखा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और डोमेस्टिक वायरिंग अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक स्मॉल डायग्राम से कि हमारे घर हाउस होल्ड में घरों के घरों में किस तरीके से कनेक्शंस होते हैं बिकॉज हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आती है फैन होता है टीवी होती है लाइट्स होते हैं मोबाइल चार्जर होता है बहुत कुछ होते हैं जो कनेक्ट होते हैं तो उनका कनेक्शन एग्जैक्टली exactly कैसे होता है सो so ये एक फ्लो डायग्राम है ये लाइव वायर है ये नेचुरल वायर्स है मेन फ्यूज अब मेन फ्यूज के बारे में हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक मीटर होता है जहाँ से मेन वायर जो होता है नेचुरल वायर में से हमारे आती है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज में आती है देन इट विल इलेक्ट्रिक मीटर से इलेक्ट्रिसिटी मीटर से हमको पता चलता है कि भाई हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है हमारे एमएससीबी से या फिर जो पावर स्टेशन होते हैं वहां से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है और यहाँ पे मीटर में पता चलता है कि हम लोग कितना यूटिलाइज कर रहे हैं इसलिए तो हमारे घर में बिल आता है ये होता है मेन स्विच जिससे हम लोग हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का स्विच होता है मेन स्विच होता है अगर हमने इसे बंद कर दिया तो हमारे पूरे घर की लाइट चली जाती है और इसे ऑन रखते हैं तो इसे हमारे घर में पूरे घर में लाइट होती है और इसे फेज में भी चेंज किया जाता है यहाँ पे जैसे टू फेज दिखा रहे हैं तो यहाँ पे टू फेज है इट मीनस कि हमारे घर में अगर हायर लोडिंग होती है तो हम लोग क्या करते हैं लोड कम करने के लिए छोटे छोटे फेज बना लेते हैं जिससे अगर एक फेज की लाइट चलेगी तो दूसरा फेज हमारे शुरू रहता है तो ये नॉर्मल जनरल बातें थी तो आगे देख लेते हैं कि हमारे घर में एक्चुअल कनेक्शंस कैसे होते हैं तो कनेक्शन ऑफ वेरियस अप्लायंसेस इन अ पैरेलल इन सीरीज हमारे घर में सारे कनेक्शंस जो होते हैं मैक्स टू मैक्स वो होते हैं पैरेलल इन सीरीज में और पैरेलल और जो सीरीज कनेक्शंस होते हैं इसके बारे में हमने इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में स्टडी किया है और उनकी भी लिंक्स में इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं क्वेश्चन भेज सकते हैं सो so, ये सारे कनेक्शन जो होते हैं यहाँ पे अर्थ होते हैं अर्थ कनेक्शन होते हैं अब भाई अर्थ कनेक्शन क्या है अब हम यहाँ पे आगे स्टडी कर लेते हैं कि वॉट इज अर्थ कनेक्शन सो क्योंकि करंट तो हमारे घर में आ रहा है मेन फ्यूज है फ्यूज के बारे में भी हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं देन इलेक्ट्रिक मीटर से हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है वो पता चल जा रहा है डायरेक्ट हमारे इसमें अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है राइट right? हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है और जैसे टीवी है रेडियो है इसमें एक स्पेशलाइज मशीन्स होती है डिवाइस होता है जो अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है और वो अपलांसेज जो होते हैं वो डीसी करंट में ही यूज होते हैं बाकी के जितने भी लाइट होता है इलेक्ट्रिक केटल होते हैं ये सारे अल्टरनेटिंग करंट से ही रन होते हैं फैन जो होता होता है है ये भी अल्टरनेटिंग करंट से ही रन सो so, अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ वायर क्या है ये अर्थ कनेक्शन हम लोग घर में क्यों देते हैं क्योंकि हम लोग ने सुना होगा कई बार कि अर्थिन इस वर्ड के बारे में हमने काफी सुना है तो ये अर्थिन एक्टली exactly होता क्या है ये हम देख लेते हैं it is very important to note here that usually there are two separated circuit in your house hamare ghar mein hamesha two circuits hote hain do two separate circuits hote the lighting circuits which have a 5 ampere fuse and the power circuit which has a 15 ampere fuse. ये हमने सुना होता है but हमने कभी देखा नहीं होता तो ये जो है basically हमारे घर में जो two circuits होते हैं एक 5 ampere का और एक 15 एम्पियर का तो व्हाट इज फ्यूज ये भी हम आगे अभी देखने वाले हैं सो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग लाइन वायर नेचुरल वायर एंड अर्थ वायर द वायर है रेड प्लास्टिक कवर इज मेड अप ऑफ लाइव वायर जो रेड कलर के प्लास्टिक का कवर होता है हमने देखा होगा कि हमारे घर में ग्रीन रेड ब्लू येलो ब्लैक इस कलर के कनेक्शन होते हैं तो हर एक वायर का अपना एक वैल्यू होती है और हर एक वायर का अपना एक स्पेसिफिकेशन होता है तो वैसे ही जैसे ही हम देखेंगे हम हमारे घर के मीटर्स के आसपास आप देख सकते हैं कि ग्रीन ब्लैक रेड इस तरीके के वायर्स के कनेक्शन होते हैं तो उसमें जो रेड प्लास्टिक कवर का वायर होता है वो लाइव वायर होता है द वायर हैविंग ब्लैक प्लास्टिक कवरिंग इज मेड अ नेचुरल वायर एंड द वायर हैविंग अ ग्रीन प्लास्टिक अर्थ वायर आप आपके घर के कनेक्शन में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कभी आपने खोल के देखा होगा या फिर अभी न्यू कनेक्शन जैसे भी आते हैं ये नोटेशन होते हैं कि लाइव वायर जो है जिसमें से करंट फ्लो होने वाला है वो है हमारा रेड कलर का नेचुरल वायर से भी हमारा करंट फ्लो होता है बट इसका नोटेशन होता है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ इंडिकेशन होते हैं सो ब्लैक वायर की कवरिंग होती है मेडर नेचुरल वायर और जो ब्लैक हमारा ग्रीन कलर का वायर है वो होता है अर्थ वायर जो अर्थिन होता है अब हम आगे और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं

स्विच हर इलेक्ट्रिकल अप्लाय के लिए हम लोग सेपरेट स्विच देते हैं जैसे कि लाइट के लिए फैन के लिए हमको टीवी का कनेक्शन लगाने, लगाने तो उनका स्विच अलग होता है हर एक के लिए हम लोग अलग अलग स्विच देते हैं क्योंकि इनका पैरेलल कनेक्शन हम स्विच बोर्ड में ही देते हैं इट शुड बी नोटेड ऑल द स्विचेस आर पुट इन लाइव वायर और सारे स्विचेस हम लाइव वायर के साथ में कनेक्शन करते हैं सो so, अर्थिन अब हम देख लेते हैं कि अर्थिन क्या है अर्थिन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सो अर्थिन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिकॉज ऑफ ऑल द फॉलोइंग रीजन कौन से कौन से रीजन्स के लिए ये अर्थिन जरूरी होता है अर्थिन जो होता है बेसिकली ग्रीन कलर का वो होता है कि शॉक हमको लगना नहीं चाहिए मेन चीज जो है जब हमारे घर में करंट आ रहा है तो हमें जो हमें करंट नहीं लगना चाहिए बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयन इज अ गुड कलेक्टर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो किसी भी वजह से करंट जो है हमें नहीं लगना चाहिए शॉक नहीं लगना चाहिए इसलिए अर्थिन का यूज uh, किया जाता है ताकि घर में किसी भी अप्लायंस में हमको करंट ना लगे

Earthen क्या करेगा करेगा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को क्या डायरेक्ट अर्थ में डिस्पोज कर देगा वो हमें लगने नहीं देगा या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ या ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट को अप्लाई नहीं होने देगा इट्स प्रिवेंट द रिस्क ऑफ फायर दैट कुड अदरवाइज बी द कॉज बाय द करंट लीकेज ये करंट लीकेज को भी आ, आ, प्रिवेंट करता है और फायर को भी बिकॉज हमने ये भी देखा है कि जैसे ही करंट फ्लो होता है एक कंडक्टर में से तो हीटिंग इफेक्ट आता है अगर ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट तो क्या होगा अर्थिन का कनेक्शन किया जाता है सो so, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का हमारा अर्थिन है रेड कलर का हमारा लाइव वायर है और ब्लैक कलर का हमारा नेचुरल वायर है जो फ्रिज के साथ में हम कनेक्शन करते हैं जिसे हम थ्री पिन कहते हैं तो सबसे बड़ा वाला जो फर्स्ट नंबर का होता है, वो होता है हमारा अर्थिंग लेफ्ट साइड का होता है हमारा ब्लैक कलर का वो होता है हमारा नेचुरल और रेड कलर का होता है लाइव वायर जिससे एक्चुअली करंट फ्लो होता है ये हमारा मेन स्विच बोर्ड है स्विच बोर्ड में ये इस तरीके से स्विचिंग की जाती है कनेक्शन किए जाते हैं पैरेलली और अर्थिन का जो वायर होता है ग्रीन वाला कुछ इस तरीके से ग्राउंड में किया जाता है तो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं कि अर्थिन कैसे किया जाता है आप हमारे हाँ, अपने खुद के भी घर में देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के कॉपर वायर से इस तरीके से अर्थिंग किया जाता है घर के जस्ट बाहर में आप ये चीज देख सकते हैं और ये बहुत सारा आ, अंदर में बहुत सारा डंप किया जाता है इसके साथ में ताकि करंट जो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डायरेक्टली डिस्पोज हो जाए अर्थ के अंदर एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन अ डोमेस्टिक वायरिंग अंडर टू सरकमट शॉर्ट अः शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग अब हमको देखना है कि भाई एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट किस तरीके से फ्लो होता है बिकॉज हम तो डायरेक्टली यूज करते हैं स्विचेस को है ना तो हम देख लेते हैं कैसे होता है शॉर्ट सर्किटिंग इफ द प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड वायर गेट टर्स देन द टू वायर्स टचेस इच अदर सी द टचिंग ऑफ द लाइव वायर एंड नेचुरल वायर डायरेक्टली इज नोन एज अ शॉर्ट सर्किट व्हेन द टू वायर्स टचेस इच अदर द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट सो फॉर्म इज वेरी एंड वेरी स्मॉल होता क्या है शॉर्ट सर्किट में कि जब लाइव वायर जो हमारा रेड कलर का वायर होता है और जो नेचुरल वायर होता है ब्लैक कलर का अगर उसके ऊपर की जो इंसुलेटिंग का वायर के ऊपर की जो इंसुलेशन होता है ब्लैक और रेड कलर का प्लास्टिक का वो अगर कट गया और वो एक दूसरे के साथ में टच कर गया और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तब क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा आपने कई मूवीज में भी देखा होगा बहुत सारे घर में भी आपने कभी कभी देखा होगा कि गलती से वायर अगर एक दूसरे को टच हो जाते हैं तो स्पार्क होता है है ना तो मूवीज में भी देखा है कि बेसिकली अगर किसी को करंट देना हो तो वो दो वायर्स पकड़ के होते हैं और स्पार्क करते हैं तो वो होता है शॉर्ट सर्किट तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस उसमें क्रिएट uh, होता है और इसी वजह से क्या होता है कि क्रॉसिंग होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और एक दूसरे के साथ में टच हो जाते हैं वो तो शॉर्ट सर्किट होता है तो ये स्विचेस uh, है हमारे कुछ जो हमारा टू पिन का स्विच होते हैं राइट right? जिसमें अर्थिन नहीं होता अटैच जिसमें टू पिन होते हैं जिसमें सिर्फ लाइव वायर और नेचुरल वायर होता है तो इसमें क्या होता है कि इस वायर में अगर कटिंग हो गई अंदर में तो हमको कट पता नहीं चलता और अगर यहाँ पे कहीं पे अंदर कट आ गया है और दोनों वायर क्या और एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस होते हैं सो so, ये जो होता है हमारा स्विच बोर्ड होता है एंड देन स्विच बोर्ड जो होता है पैरेलली कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ में तो आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्विचेस यहाँ पे लगा सकते हैं जितना ज्यादा सेपरेशन रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है एक आ, हर एक के लिए अलग अलग स्विच जैसे फैन के लिए टीवी के लिए फ्रिज के लिए ओवन के लिए तो हर एक के लिए स्विच जो होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग होता है सो ट्वेंटी एमपियर और वन ट्वेंटी इस तरीके से यहाँ पे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है स्विचेस को

कुछ पार्ट होता है जिसमें हमने एक सिंगल स्विच uh, में नंबर ऑफ वायरिंग लगा दी है यहां पे यहां पे नंबर ऑफ लगा दिए है और एक साथ लगाने की वजह से इसपे क्या हो जा रहा है ये ओवरलोड हो जा रहा है बिकॉज एक सिंगल स्विच जो होता है कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए रहता है जैसे कि 20 एम्पेयर के लिए सिक्सटीन एम्पेयर के लिए तो मैक्सिमम 16 टू 20 एम्पियर के लिए ये होता है और इसमें हमने नंबर ऑफ अप्लाइंसेस जब अप्लाई कर देते हैं तब क्या होता है कि इसमें ओवरलोडिंग हो जाती है अगर इसी तरीके से हमने अगर सिंगल स्विच में अगर वो हमारा ज्यादा एम्पियर का भी हो और उसमें हमने इलेक्ट्रिकल आयरन जो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है वाटर हीटर है एयर कंडीशनर है सो तो इस तरीके का अगर यूज कर दिया तो उसकी वजह से क्या होता है उसी सर्किट में ओवरलोडिंग हो जाती है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आने लगता है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस होते हैं और सर्किट क्या हो जाती है डैमेज हो जाती है और इसी की वजह से हमको करंट लगता है और हमारे अप्लायसेज भी खराब हो जाते हैं सो so, इसीलिए ही जो हमारे प्रीवियस फोटो में दिखाना था कि अलग अलग स्विचेस जो दिए जाते हैं वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि ओवरलोडिंग ना हो इलेक्ट्रिकल फ्यूज अब हम देख लेते फ्यूज जो हमने देखा था कि घर में जब हमारा कनेक्शन आता है तो सबसे पहले फ्यूज से कनेक्ट किया जाता है और देन मीटर के साथ में तो फ्यूज एक्चुअली होता क्या है द इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ऑफ फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिट ऑपरेट्स प्रोवाइडिंग द करंट ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द्वारा बनाया गया है या इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया गया है जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है और इट ऑपरेट्स प्रोवाइडिंग दर करंट जो हमको प्रोवाइड uh, करता है शिफ्ट करता है ओवर करंट से अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट अगर आ रहा हो वायर से तो क्या होता है कि फ्यूज जो होता है वो उसको ओवरलोड जो होता है वो कम कर लेता है सो so, इसी के वजह से क्या होता है कि हमारे घर में प्रॉपर अमाउंट की ही करंट आता है अगर ज्यादा अमाउंट का करंट आ रहा है और हम ज्यादा अमाउंट का यूज कर रहे हैं तो हमारे घर में शॉर्ट uh, सर्किट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हमारे घर में करंट लगने का चांसेस बहुत होता है और हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी मेन जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा दिखाएगा और हमारी मीटर रीडिंग भी ज्यादा आएगी सो so, ये किस तरीके से होते हैं तो ये कुछ फ्यूज फ्यूज होते हैं छोटा ये छोटा फ्यूज है हमारा सिक्सटीन एमपीआर का ये बड़ा फ्यूज है अगर हमारे घर में बड़े अप्लायसेस है जैसे एयर कंडीशनर है एसी है ओवन है फ्रिज है तो बड़े फ्यूज लगाए जाते हैं ये छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जो हमारे अप्लायसेज में ऑलरेडी यूज किए जाते हैं ताकि ओवरलोडिंग जो है ओवर करंट जो है हमारे अप्लायसेज को ना मिले सो फाइव एमपीएस से फिफ्टीन एमपीएस तक के फ्यूज होते हैं इससे बड़े भी फ्यूज अवेलेबल होते हैं तो अकॉर्डिंग टू आवर यूजेस हम फ्यूजे फ्यूज का यूज करते हैं हेजार्डस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ लिया मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिया सो so, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है मैग्नेटिज्म के थ्रू किस तरीके से जनरेट होती है हमारे घर तक कैसे आती है ये तो हमने देख लिया लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं तो इसके कुछ हेजार्डस हैं वो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं दो इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बट इट इज इम्प्रॉपर अगर इसका कुछ इम्प्रॉपर यूज है इन असोसिएट है इज फॉलोइंग हेज़ार्ड्स और डैमेज आर देयर. तो कुछ अगर इम्प्रॉपर यूज होगा तो इसके कुछ हिजार्स भी होते हैं सो so, कौन से कौन से इफ द पर्सन हैपन अ टच अव इलेक्ट्रिक करंट इ गेट

वायर को डायरेक्टली जो रेड कलर का वायर होता है रेड कलर ऑलवेज बी अ डेंजरस कलर सो इट विल डिनोट द डेंजरस कि इसको टच नहीं करना चाहिए अगर आपने इसको गलती से टच कर दिया तो इट में द एनी ऑफ द पर्सन अगर किसी पर्सन ने उसको टच कर दिया तो वो शॉक उसको लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ऑन द स्पॉट वो पर्सन की डेथ हो जाए शॉर्ट सर्किट ड्यू टू द डैमेज ऑफ फायरिंग और ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट कैन कॉज द इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल फायर इन अ बिल्डिंग सो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है अगर कोई आ, हमारा लाइव वायर ने वायर का डैमेज हो चुका है और वो एक दूसरे के साथ में टच कर रहे हैं करंट फ्लो हो रहा है उसमें से तो इट में लीड टू इलेक्ट्रिक सिटी क्या हो जाएगी फायर हो जाएगी मतलब उसमें से स्पार्क होने लगेगा और फायर अटैच हो जाएगा और बिल्डिंग में फायर कैच करने की चांसेस हो सकते हैं द डिफेक्ट इन हाउस होल्ड वायरिंग लाइक लूज कनेक्शन एंड डिफेक्टिव स्विचे अगर घर के अंदर के कनेक्शन है स्विचेस प्रॉपर तरीके से नहीं लगे होंगे कनेक्शन लगे नहीं होंगे अंदर में कोई वायर एक दूसरे के साथ टच कर रहा होगा सो so, इस वजह से क्या होता है कि स्पार्किंग हो सकती है और इट मे लीड टू फायर प्रिकॉशन इन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से हैजाजट्स होगी इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने प्रॉपर तरीके से यूज नहीं की प्रॉपर प्रिकॉशन से यूज नहीं किया तो किस तरीके से हैजार्ड्स हो सकते हैं तो इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें लेने होते हैं तो प्रिकॉशंस देख लेते हैं कौन से कौन से हैं सो टू अवॉइड द हेजार्डस लाइक इलेक्ट्रिकल शॉक्स और इलेक्ट्रिकल फायर वी शुड ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द पर्सन एक्सीडेंटली टच द लाइफ वायर और इफ एन इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट इन हाउस द मेन स्विच शुड बी टर्न ऑफ जब अगर आपने देखा कि किसी पर्सन को शॉक लग गया है या फिर इलेक्ट्रिकल फायर स्टार्ट हो गया है घर के अंदर तो आपको क्या करना है सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करना है दिस विल प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग इससे क्या हो जाएगा जो फायर स्प्रेड हो रही है घर में थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल वायर वो स्टॉप हो जाएगा ठीक है द पर्सन हु टू टच द लाइव इलेक्ट्रिकल वायर शुड प्रोवाइड एन इंसुलेटेड सपोर्ट ऑफ वुड अगर गलती से भी किसी पर्सन का टच हो चुका है वुडन तो से देना है वुड से देना है लकड़ी से देना है प्लास्टिक या तो रबर से देना है कोई भी मेटल चीज से बिल्कुल नहीं देना है बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड प्लास्टिक एंड रबर आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो आपको उसको सपोर्ट किससे देना है वुड प्लास्टिक है तो रबर के मटेरियल से देना है वी शुड नेवर ट्राई टू पुल अवे फ्रॉम द पर्सन हु इज कनेक्टेड विद द लाइव वायर अदरवाइज वी विल आल्सो गेट अ शॉक हमको डायरेक्टली उस पर्सन को खींचना नहीं है या फिर उसको सेपरेट करने की कोशिश नहीं करनी अगर उसने लाइव वायर को टच किया है तो अगर आप भी टच करने जाओगे तो आपको भी शॉक लग सकता है ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक आयरन कूलर एंड रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा शुड बी गिवन एंड अर्थ कनेक्शन जितने भी हाईअर लोडेड इलेक्ट्रिकल अपलायंस करते हैं कि जितने भी अप्लायसेस को अर्थिन का कनेक्शन दे अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा करंट जा रहा हो या फिर एक्सेसिव uh, करंट जा रहा हो तो थ्रू द अर्थिन सारा का सारा निकल जाएगा ठीक है टू सेव द अवर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिकल शॉक इससे क्या होगा कि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से सेफ रहेंगे इवन इफ द अर्थ कनेक्शन इज दे we should avoid the touching the metal body of the electrical appliance when it is on agar koi appliances ho. चाहे वो आयरन हो चाहे वो फ्रिज हो चाहे वो ओवन हो कोई भी अप्लायसेस हो अगर उसके पास में अर्थ कनेक्शन होगा भी तब भी उसके जो मेटल बॉडी अगर होगी तो मेटल बॉडी को टच करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि बिकॉज अगर वो गरम हो रही है उसमें मेटल है ऑलवेज भी द करंट फ्लो उसमें होगा हो ही होगा तो हमेशा हमें इसका प्रिकॉशन लेना चाहिए कि अगर कोई भी अप्लायसेस है और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है इवन दो उसके साथ अर्थ कनेक्शन होगा तो हमें उसके मेटल बॉडी को बिल्कुल भी टच नहीं करना है ऑल द स्विचेस शुड बी पुट इन अ लाइव वायर ऑफ एसी सर्किट जितने भी स्विचेस है उसको हमेशा लाइव वायर के साथ में एसी सर्किट के साथ में ही कनेक्शन रहना चाहिए सो दैट वेन स्विच इज टर्न ऑफ द अप्लायसेज गेट डिस्कनेक्टेड जैसे ही हमने स्विच ऑफ कर देंगे तो अप्लायसेज स्विच ऑफ हो जाएगा बट डीसी करंट में इसका जस्ट अपोजिट होता है डायरेक्ट करंट में जब हम स्विच ऑफ करते तब भी करंट उसमें फ्लो होते रहता है डेट्स वाई हमें एसी करंट के स्विचेस को हमेशा पुट करना चाहिए एसी करंट के ही स्विचेस वहां पे लगने चाहिए सो डिसनेक्टेड फ्रॉम द लाइव वायर एंड देयर इज अ नो रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक We should never operate switches of electrical appliance with wet hands. हमें हमारे गिले हाथों से कभी भी electrical appliance के uh, switches को operate नहीं करना चाहिए या फिर electrical appliance अगर run में है या फिर उसमें से electrical appliance जो है वो run हो रहा है या फिर on हो तो उसे कभी भी अपने गिले हाथों से touch नहीं करना चाहिए The plug should not not be a वेट हैंड्स को भी गीले हाथों से अः नहीं इनपुट करना चाहिए दिस विल बिकॉज ऑफ वॉटर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी सम एक्सटेंड हमको पता है वॉटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो जैसे ही हम वहां पर टच करेंगे अपने गीले हाथों से तो क्या होगा कि

should always be connected in a live wire of circuit. The fuse wire should be a proper rating and material. जो हम fuse use करेंगे हमारे घर में वो हमेशा live wire के साथ में connect होना चाहिए और proper rating का ही material होना चाहिए अच्छे company का अच्छा और जिस तरीके से हमारे घर में appliances हो रहे हैं उस रेंज का ही होना चाहिए अगर हमारे घर में बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बहुत यूज हो रही है जैसे ए सी फ्रीज टीवी आ, आयरन ऐसे बहुत जो हायर इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले अप्लायंसेस है तो फ्यूज भी हमारा हायर रेटिंग का होना चाहिए वी शुड नेवर यूज द कॉपर वायर कनेक्टिंग वायर एज अ फ्यूज वायर बिकॉज द कॉपर वायर हैज अ वेरी हाई करंट रेटिंग ड्यू टू विच अ कॉपर वायर फ्यूज कैन नॉट प्रोटेक्ट द वायरिंग अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट हमारे फ्यूज में कभी भी कॉपर वायर का यूज नहीं किया जाता अगर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ कॉपर वायर में से करंट फ्लो होता है और ये कभी भी अवॉइड नहीं करेगा ये कम नहीं करेगा सो so, हमें ऐसा कंडक्टर या फिर ऐसा रेजिस्टेंस वहां पे यूज करना है जो लेस लार्जर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रख सके और लार्जर अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो होने से रोक सके सो इट विल The short or अगर वो वायर से तो ओवरलोडिंग से वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा सोम द हाउस होल्ड वायरिंग शुड बी डन बाय द गुड क्वालिटी वायर है प्रॉपर थिकनेस एंड इंसुलेशन जितने भी हमारे घर के अप्लायसेस या फिर जितने भी कनेक्शन होंगे वायर के वो होंपर इंसुलेशन uh, के होने चाहिए थिक होना चाहिए ऑल द वायर कनेक्टेड विद द स्विचेस सॉकेट्स एंड प्लग्स शुड बी टाइट हमेशा टाइट होना चाहिए कनेक्शन एंड ऑल द वायर ज्वाइंट शुड बी कवर्ड विद द इंसुलेटेड हम जितने भी जॉइंट्स होंगे जितना भी कनेक्शन होंगे वो सारे के सारे इंसुलेटेड होना चाहिए एडिसिव टेप से इंसुलेटेड टेप से कनेक्शन होने चाहिए डिफेक्टिव स्विच प्लग शुड बी रिप्लेस जितने भी डिफेक्टिव स्विच हो गए सॉकेट्स हो गए प्लग्स होंगे उसको इमिजिएटली रिप्लेस कर देना चाहिए वी शुड अवॉइड द वर्किंग ऑन द लाइव सर्किट ऑफ द रिपेयर्स जब लाइव सर्किट होगा जब हमारे घर में कोई कनेक्शन कर रहे हो जैसे हम लोग फैन का कनेक्शन कर रहे हो या फिर लाइट का कनेक्शन कर रहे हो तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा स्विच ऑफ रहना चाहिए लाइव कनेक्शंस में हमें कभी भी कनेक्शन नहीं करना चाहिए इफ अवेवर इफ नेसेसरी हैंडल अ लाइव सर्किट देन द रबर ग्लव एंड रबर शूज मज बी पुट ऑन अगर आपको ऐसा कोई चांसेस आते कि आपको लाइव कनेक्शन के साथ में आपको करके कनेक्शन करने पड़ते हो तो हमेशा रबर के ग्लव आप पहनो और रबर के बूट्स आप पहनो ताकि आपको करंट से आप प्रिवेंट हो सको एंड वी शुड स्टैंड ऑन अ ड्राई वुड बोर्ड और हमेशा हमें जो स्टैंड होने के लिए या फिर खड़े होने के लिए आपको ड्राई uh, वुडन का यूज करना चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इसमें से हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस मिलते हैं द इलेक्ट्रिशियन शुड बी वीयर रबर हैंड ग्लव्स एंड रबर शूज वाइल वर्किंग जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट पे काम करते हैं घर में हमारे कनेक्शंस करते हैं तो उन्होंने कनेक्शंस करते टाइम पे हमेशा रबर रबर हैंड ग्लव्स और रबर शूज का यूज यूटिलाइजेशन करना चाहिए द टूल्स यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल रिपेयर लाइक टेस्टर स्क्रू ड्राइवर अर एक्सेट्रा शुड बी है प्रॉपरली इंसुलेटेड ये सारे जो टूल्स होते हैं यूज, कर, है, यूज करते करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन के लिए हम टेस्टर यूज करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है आ, कुछ ड्राइवर्स हम स्क्रू ड्राइवर्स यूज करते हैं तो ये प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए जब हम कनेक्शन कर रहे हो शुड है प्रॉपरली इंसुलेटेड एंड हैंडल मेड बाय द वुड और बैके लाइट प्लास्टिक प्लास्टिक का उसका हैंडल होना चाहिए वुडन तो का होना चाहिए हियर वी कंप्लीटेड मैग्नेटिज्म चैप्टर जिसमें हमने स्टडी किया कि व्हाट इज मैग्नेटिज्म बेसिक uh, टर्म्स जो यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन सी होती है वो किस तरीके से होती है देन पार्ट वन में कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पार्ट छोटे छोटे टर्म्स छोटी छोटी एक्टिविटी के थ्रू हमने टर्म्स को क्लैरिफाई किया देन इलेक्ट्रो क्या है ये भी क्लैरिफाई किया देन इलेक्ट्रो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट की जाती है ये देखा हमने इस पार्ट में अः एसी जनरेटर डीसी जनरेटर इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होते हैं वो देखा कि किस तरीके से जनरेटर का फॉर्मेशन है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इस की स्टडी की साथ में हमने यह भी देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हेजार्ट है वो देखा और उससे हमको बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए यह भी स्टडी की सो so, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये टोटली जो बोथ ऑफ द चैप्टर से इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के साथ में आपको इस लेक्चर के ऊपर या फिर इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर के ऊपर कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमको वीडियो लिंक के कमेंट्स में आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं आपको इमीजिएटली रिप्लाई मिलेगा थैंक यू फॉर लिसनिंग अवर लेक्चर अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथ में आप लोगों को रिकमेंडेड कीजिए कि हमारे लेक्चर को स्टडी करें पढ़े हमारे साथ में और आपके कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी भी क्वेरीज़ या फिर डाउट्स तो आप हमको सेंड कर सकते हैं तब तक के लिए सेफ रहिए अपने घर में और इंजॉय कीजिए हमारे सारे लेक्चर्स को आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हमारे कुछ एनवायरमेंटेड रिलेटेड वीडियोस के साथ